अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम मजीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 7.4 के। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो है वहां तक हमने कर लिया था, तो क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 है। अच्छा, इस वर्ड प्रॉब्लम में आमतौर पर स्टूडेंट को वर्डिंग का भी इशू होता है कि सर वर्डिंग किस तरीके के लिखेंगे, क्या लिखेंगे। मुझे भी अपनी बारे में होता था, तो मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर कर दूं कि वर्डिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। कितनी दफा जो मैं चीज लिखता हूं, अगर मैं कोई जुमला लिखा है इंग्लिश का, तो वो आप लोगों को समझाने के लिए भी ज्यादातर होता है। ठीक है, ये मत समझो कि अगर आप पेपर में वर्डिंग नहीं लिखोगे तो मसला होगा। मैथ के पेपर में ये डिपेंड करता है, प्रेजेंटेशन मैटर करती है, लेकिन प्रेजेंटेशन ये होती है कि आपने स्टेप जो लिखे हैं वो मिस नहीं किया हुआ, विजिबल स्टेप लिखे हुए, ये प्रेजेंटेशन है मैथ के अंदर। मैथ के अंदर प्रेजेंटेशन ये नहीं है कि आपने जो स्टेप लिखा है उसको इंग्लिश में सही तरीके से समझाया नहीं समझाया। तो ये जहन से आप लोग निकाल लो कि अगर आप लोगों को इंग्लिश लिखनी है, अच्छा इंग्लिश लिखे तो प्रॉपर लिखे, कोई जरूरत है ही नहीं। आपको लिखना चाह रहे हो अपनी आसानी के लिए, या अगर किसी को आपने बताना है तो जो आपको इंग्लिश आती है सिंपल लैंग्वेज में समझा दो, कोई मसला नहीं। ग्रामर की मिस्टेक है या सही तरह समझाया नहीं, ये ना लिखो कोई इशू नहीं है। कुछ वर्डिंग होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे आप वर्ड प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करते हो जिसमें मेंशन करना पड़ता है कि यार सिंस ये मसला है, जो सिंस और देयरफॉर करके होती है ना, वो इंपॉर्टेंट होती है कि वो आप मेन चीज होती है जो आप समझा रहे होते हो कि यार ये चीज हुई है इसका मतलब अब ये होगा, तो वहां पे आप कह रहे हो कि थोड़ी जरूरी है मेंशन कर दो, लेकिन यहां पे इतनी जरूरत नहीं, तो इस बारे में इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला हुआ है 3% आर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस फ्रॉम द सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी। पता नहीं, खैर जहां तक हमें मतलब समझ आया इसका ये है कि जो तीन बंदे हैं वो एक फॉर एग्जाम्पल हल्के में इलेक्शन खड़े हुए हैं, उनमें से कोई एक जीतेगा। तो उन्होंने बोला है कि मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई हैव द सेम चांस ऑफ विनिंग। जो एक्स और वाई है इसके जीतने के चांसेस सेम है, बट मिस्टर जेड हैज ट्वाइस द चांस ऑफ आइदर मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई। कि जो मिस्टर जेड है ना, उसके जो जीतने के चांसेस है वो डबल है एक्स के और वाई के चांसेस से। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, फिर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट आप लोगों के जहन में होना चाहिए, किसी भी चीज की जब आप बात करते हो तो जो प्रोबेबिलिटीज होती हैं, कोई भी सिंगल इवेंट गिवन है आपको, जैसे x की प्रोबेबिलिटी, y की प्रोबेबिलिटी, z की प्रोबेबिलिटी, तो अगर आप इनकी बात करो, इन सब की प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप फॉर एग्जांपल आपको सर्वे करते हो, आप बोलते ना 64% बंदे ये कह रहे हैं, तो बाकी 36% कुछ और कह रहे होंगे। ठीक है, मतलब पूरा आपने 100 पूरा करना होता है। इसी तरह प्रोबेबिलिटी में जितनी चीजों की आप प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर रहे हो उसके बाद सम जो है उसका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये जो मिस्टर एक्स है ना, आप कंसीडर, वैसे बाय द वे 25% 50 होगा। उसकी रीजन ये है कि अगर आपने 100% प्रोबेबिलिटी डिवाइड करनी है तीन लोगों के अंदर, तो और इस तरीके से कि दो की सेम है, तो दो की आप 25-25 कर दो, और जो तीसरा है उनकी डबल है, 25 का डबल 50, तो दो की 25, एक की 50, ये 100 हो जाएगी। लेकिन आप ये मैथमेटिकल भी आपको शो करना है, तो आप ये लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स, जो मिस्टर एक्स है लेट कर लो उसकी प्रोबेबिलिटी एक्स। अच्छा, ऊपर ये हेडिंग में लिख देना लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स, एक्स है कंसीडर कर लो। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस्टर वाई, भाई उन्होंने बोला था कि एक्स और वाई के प्रोबेबिलिटी है वो सेम है, सेम चांस है बिल्कुल, तो कंसीडर कर लो इसकी भी एक्स है। फिर बोला था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस्टर जेड की जो प्रोबेबिलिटी है ना वो इनके डबल है, मतलब 2x होगी। ये सवाल में कंडीशन गिवन थी, तो आप इसी को सॉल्व करो। आपको बताया सिंस प्रोबेबिलिटी, इसको इस तरह भी लिख सकते हो, जुमला जो आपने लिखा है ना इसको इस तरह लिख दो, पी एक्स का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, इस तरह कह लो। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड, ये किसके बराबर है, 1 के बराबर। मैं अभी परसेंटेज में जिक्र करना नहीं जा रहा, परसेंटेज में करोगे तो 100% के बराबर होगी, लेकिन अब फ्रैक्शंस की बात करें तो 1 प्रोबेबिलिटी, मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 1 के दरमियान होती है, तो सम जो है वो टोटली 1 होता है। अगर आप परसेंटेजेस में कंसीडर करो तो प्रोबेबिलिटीज परसेंटेजेस में सम 100% होता है, लेकिन आप परसेंटेज डेसिमल में हम कंसीडर कर रहे होते हैं। तो इसकी एक्स है, इसकी भी एक्स है, इसकी 2x है इक्वल टू 1, सॉल्व करो ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/4। तो यहां से आपको समझ आया एक्स की वैल्यू मिल गई, जैसे आपको एक्स की वैल्यू मिल गई आपको इनकी प्रोबेबिलिटीज भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये बेसिक काम कर लिया। असल काम करना क्या था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मिस्टर जेड विंस, कि Z के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, अभी आप कैसे निकालोगे। अभी तक आपको सवाल में ये पता था कि Z की प्रोबेबिलिटी डबल है X की या Y की प्रोबेबिलिटी से, आपको बस पता डबल है, आपको एक्चुअल अमाउंट नहीं पता थी कि प्रोबेबिलिटी है क्या, बस आपको पता था डबल है।
तो आप एक्चुअल कैसे निकालोगे, आपने एक्स निकाल लिया ना, आप यहां पे पुट करोगे तो आपको एक्चुअल मिल जाएगी। जरा सॉल्व कर दें, ये भी एक सॉल्यूशन ही है। पार्ट वन पे आओ, पार्ट वन में क्या बोला है, मिस्टर जेड विंस, जेड के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो कोई मुश्किल बात नहीं है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड है 2x, एक्स की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल ली है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/2। तो ये पार्ट वन का सॉल्यूशन है कि जेड की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। जेड की 1/2 है, बाकी दोनों की 1/4 है, तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4 ये बराबर होता है 1 के, ठीक है। तो पार्ट वन तो आपका हो गया। पार्ट नंबर टू देख लेते हैं, लिखा हुआ मिस्टर एक्स डज नॉट विन, मतलब प्रोबेबिलिटी बताओ कि मिस्टर एक्स जो है वो ना जीते, कॉम्प्लीमेंट्री आ गया। मैंने बताया था होने की और वो चीज ना हो, ये कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। अब जरा डिस्कस करते हैं, पहले मैं हेडिंग बना लेता हूं फिर मैं आप लोगों को बताता हूं क्या सीन है इसका। पार्ट टू में है मिस्टर एक्स डज नॉट विन, ठीक है। अब इसको किस तरीके से आप करोगे, अगर आप डिफाइन करना चाह रहे हो कि ये चीज क्या है, तो आप कंसीडर कर लो कि लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स डज नॉट विन, आप डिफाइन कर दो कि पी एक्स प्राइम का मतलब कि एक्स नहीं जीतेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी है। अभी कैसे निकालोगे, ये एक्स प्राइम मैंने क्यों लिखा है, कॉम्प्लीमेंट के लिए आप रिप्रेजेंट करते हो। अगर एक इवेंट ए है और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए प्राइम, रिप्रेजेंट आप ए प्राइम से करते हो ना, तो एक्स जीतेगा, मतलब एक्स की अगर आप बात करो तो सिंपल आप एक्स लिख रहे होते हो, मिस्टर एक्स अगर विन करेगा तो इस इवेंट को मैंने एक्स नाम दिया हुआ है, मिस्टर एक्स अगर नहीं जीतेगा तो इस इवेंट को मैंने एक्स प्राइम दिया हुआ है। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, प्रोबेबिलिटी ये होगी कि आप 1 से माइनस कर दोगे जो एक्स के जीतने की प्रोबेबिलिटी है, एक्स के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो उसका आंसर आ जाएगा 3/4, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का सम जो है वो 1 के बराबर होता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 के बराबर होती है। अगर आपको कोई एक गिवन है, दूसरे के निकालने का बड़ा आसान तरीका है 1 से माइनस कर दो, ठीक है। ये जो 1 है ना, ये टोटली अलग है, यहां पे जो डिस्कस की गई थी ना बात, वो अलग 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 की डिस्कस की थी कि इन सब की सम जो है ये 1 के बराबर है। जहां तक मिस्टर एक्स की बात है ना, तो जरा आप इसको थोड़ा वैसे समझो कि मिस्टर एक्स के जीतने के चांसेस थे 1/4, तो मिस्टर एक्स के हारने के चांसेस क्या होंगे, 1/4 को 1 से माइनस कर दो भाई, 25% है वो जीते, तो 75% क्या है, वो हारेगा। ये इसकी सेंस ही बनेगी ना कि जीतने के चांसेस अगर 25 हैं, तो इसका ऑपोजिट क्या है, जीतने का ऑपोजिट हारना, हारने के चांसेस कितने होंगे, 75%, पूरा आपने 100 करना ना। तो वही चीज मैंने यहां पे कॉन्सेप्ट की और लिखा है यहां पे कि एक्स के जीतने के 1/4 चांसेस है, एक्स के जीतने के नहीं, मतलब अगर एक्स नहीं जीत रहा तो फिर क्या चांसेस है, वाई जीत रहा होगा या जेड जीत रहा होगा, ठीक है। तो इन दोनों की आप कंबाइन अगर करो, अगर मिस्टर एक्स जीत रहा है 1/4, अगर ये नहीं जीतेगा तो कौन जीतेगा, वाई और जेड जीतेगा, y की प्रोबेबिलिटी 1/4, इसकी 1/2, ऐड करो 3/4 आएगा। इस तरह भी आप बात को समझ सकते हो, तब भी आपके आंसर मैच कर रहे हैं। या एक जनरल स्टेटमेंट होती है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की, क्या 1 से माइनस करो, दैट्स इट, आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाती है। तो 3/4 चांसेस हैं, मतलब 75% अगर आप परसेंट में कन्वर्ट करो कि x नहीं जीतेगा। ये दो पार्ट करने थे और ये दो पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए। अब आता क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, अ बैग हैज 4 व्हाइट एंड 5 ग्रीन मार्बल, तो आप लिख दो नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल, व्हाइट मार्बल कितने हैं भाई, 4 है, अच्छा नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल भी लिख लेते हैं, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल है भाई 5। अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम एंड केप्ट असाइड, ये बाय द वे डिपेंडेंट जो इवेंट्स है ना उनकी गिवन है, ये मतलब ये वो आपको गिवन है, अगर साइड पे आप रख देते हो ना तो जो नेक्स्ट इवेंट होता है वो डिपेंड कर रहा होता है। अगर आप साइड पे ना रखोगे, आपने बॉल ड्रॉ की और साइड पे ना रखी बल्कि आपने उसी में मिक्स कर ली, तो अब वो इवेंट जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कोई फर्क नहीं करेंगे, हम सिंपल तरीके से इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। लेकिन ये मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, जो रिप्लेसमेंट होता है ना, आपने उठाई पहली चीज अंदर रख दी, तो जो सेकंड इवेंट होगा, सेकंड दफा जब आप उठाओगे तो वो इंडिपेंडेंट होगा
फर्स्ट इवेंट के, लेकिन अगर आपने पहली दफा कुछ चीज उठाई और उसको साइड पे रख दिया तो अब जो सेकंड इवेंट होगा वो डिपेंड कर रहा होगा पहले के ऊपर, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी। आपने बॉल को रख दिया साइड पे तो टोटल बॉल्स कम हो जाएंगे ना, तो प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो कम होगा। मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी जब मैं डिपेंडेंट इवेंट आप लोगों को समझा रहा था कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी। यहां पे तुमको ऐसा कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं करेंगे। एक मार्बल आपने उठाया उसको साइड पे रख दिया, एनदर मार्बल इज ड्रॉन, फिर आपने दोबारा एक मार्बल उठाया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड मार्बल इज ग्रीन। आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो सेकंड मार्बल आपने उठाया है वो ग्रीन है, गिवन दैट द फर्स्ट मार्बल ड्रॉन इज व्हाइट। कि जो पहला मार्बल अगर हमने व्हाइट उठाया है तो फिर सेकंड मार्बल ग्रीन हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बस इतना डेटा का हमें काफी है। आप ये लिख सकते हो कि पार्ट नंबर वन अगर हम डिस्कस करें, सेकंड मार्बल इज ग्रीन, सेकेंड मार्बल इज ग्रीन, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। आगे मेंशन कर दो, गिवन दैट फर्स्ट मार्बल इज व्हाइट, ये मेंशन कर दो पूरा। अब ये देखो अगेन ये वर्डिंग लिखवाई है, ये आपके लिए खुद भी इंपॉर्टेंट है, आपको खुद ही बात समझ आएगी। पार्ट वन में उन्होंने क्या बोला हुआ है कि जो फर्स्ट मार्बल ड्रॉन इज व्हाइट और सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है इज ग्रीन। ठीक है, कि पहला मार्बल ग्रीन था। पार्ट वन को कंसीडर करते हैं, उन्होंने बोला है कि जो पहला मार्बल हमने उठाया है ना कंसीडर करो व्हाइट है, दूसरा मार्बल अगर हम ग्रीन उठाएंगे इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। अब आप यहां पे सैंपल स्पेस भी डिफाइन कर दो। सैंपल स्पेस डिफाइन करने का मतलब आप ये बताओ कि टोटल है कितनी बॉल्स। भाई इसमें कोई आपको कॉम्बिनेशन लगाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है यहां पे 9 बॉल्स हैं। ठीक है, 9 में से आपने एक उठानी है, 9 बॉल्स हैं, 9 तरीके से आप उठा सकते हो। ठीक है, लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप सेकंड जो चीज है ना उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो। मतलब पहले इवेंट हो गया और पहला इवेंट क्या था कि आपने व्हाइट बॉल उठा के साइड पे रख दी थी, तो पहले आपके पास 9 बॉल्स थी, 4 व्हाइट थी, 5 ग्रीन थी, आपने एक व्हाइट बॉल उठा के साइड पे रख दी, अब आपके पास 8 बॉल्स रह गई हैं जिसके अंदर 3 व्हाइट है, 5 ग्रीन है। तो अब जो आपका सैंपल स्पेस बच गया है ना, सैंपल स्पेस के अंदर कितने हैं, सैंपल स्पेस के अंदर अब आपके पास 8 बॉल्स हैं, क्योंकि फर्स्ट मार्बल इज व्हाइट, वो आपने उठाया था और साइड पे रख दिया था, कैप्ट साइड आपने साइड पे रख दिया उसको। अब जो आपकी बास्केट है उसके अंदर कितनी बॉल्स हैं, 8 बॉल्स हैं। तो टोटल जो प्रोबेबिलिटी का डिनोमिनेटर है वो 8 है, कि टोटल बॉल्स आपके पास 8 है। ठीक है, अब आप निकालो जो आपका इवेंट है ना उसके निकालो उसको कितने केस फेवर कर रहे हैं। अब अगर बॉल है उसके अंदर आपने ग्रीन बॉल ग्रीन निकालनी है, अब ग्रीन बॉल निकालने के कितने तरीके हैं, कंसीडर कर लो इवेंट को हमने ए बोल दिया, कोई लेट करने की जरूरत नहीं है, आपने एन ए का मतलब बता दिया भाई कि ग्रीन बॉल उठा रहे हैं, इसके अंदर कितने केसेस आएंगे, तो भाई इसके अंदर 5 केस आएंगे। फॉर्मूला कहां से आया, फॉर्मूला इससे आया 5C1, भाई 5 बॉल, इसका भी यही आया था ना, 8 थी 8C1, आप कह दो इसको फॉर एग्जाम्पल 8 ही होता है वो, तो 5 ग्रीन बॉल्स हैं, मतलब आपके पास कंसिडर करो एक बास्केट है, 8 बॉल्स हैं, 3 व्हाइट है, 5 ग्रीन है, आपके ग्रीन उठानी है। अब ग्रीन आप किस तरीके से उठा सकते हो, कंसिडरिंग कि वो डिफरेंट है सारी, तो ग्रीन 5 ग्रीन है उसमें से कोई भी एक उठा लो आप, फिर दूसरी उठा लो, तीसरी उठा लो, तो 5 ग्रीन में से 5 ही ऑप्शन है आपके पास, 5 तरीकों से आप एक बॉल उठा सकते हो ग्रीन। ठीक है, तो इस जो आपका इवेंट है इसके अंदर कितने केस हैं, किसी भी 5 तरीके से आप ग्रीन बॉल उठा सकते हो, ग्रीन बॉल 1, ग्रीन बॉल 2, करते करते ग्रीन बॉल 5 तक। तो अगर मैं आपको बोलूं कि प्रोबेबिलिटी निकालो इसकी, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, एन ए डिवाइडेड बाय एन एस, मतलब 5 डिवाइडेड बाय 8, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ग्रीन बॉल उठाने की, प्रोवाइडेड के पहली बॉल जो आपने उठाई है वो व्हाइट है। अब देखो डिपेंडेंट हो गया ना, क्योंकि अगर पहली बॉल हम उठाते और दोबारा बास्केट के अंदर रख देते तो अब आपके पास 9 बॉल्स होती, डिनोमिनेटर में 9 आ रहा होता, न्यूमेरेटर अभी भी 5 रहता क्योंकि आपने व्हाइट उठाई थी, अभी ग्रीन की बात की जा रही है, न्यूमेरेटर अभी भी 5 रहता लेकिन डिनोमिनेटर 9 हो गया था। तो ये डिपेंडेंट इवेंट है, पहला इवेंट जो है उसका असर दूसरे के ऊपर है। बहरहाल आपने सिंपल कॉन्सेप्ट के तहत मालूम कर लिया। अब पार्ट टू में क्या बोला था कि सेकंड मार्बल इज ग्रीन Given that first marble is green, मतलब पहला जो उठाया था वो भी ग्रीन है, अब आप बताओ कि सेकंड जो हम ग्रीन उठाएंगे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आप लिखो पार्ट टू में के फर्स्ट मार्बल ड्रॉन इज व्हाइट, सॉरी इज ग्रीन, कि जो फर्स्ट मार्बल फर्स्ट मार्बल जो आपने ड्रॉ किया है वो क्या है, ग्रीन है। पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं, आपने मेंशन किया है ना सेकंड मार्बल ग्रीन की आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो फर्स्ट मार्बल व्हाइट था, यहां पे फर्स्ट मार्बल ग्रीन है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखो सैंपल स्पेस में अब आपके पास 8 ही होंगे, इसमें तो कोई फर्क नहीं है क्योंकि
पहली बॉल अगर आपने ग्रीन निकाली हो या पहली बॉल आपने व्हाइट निकाली हो, असल बात यह कि टब के अंदर 8 बॉल्स हैं, ये मैटर करता है। तो सैंपल स्पेस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक बॉल किसी भी कलर की निकालो रहेंगी तो उसके अंदर 8 ही बॉल्स, इस पे कोई फर्क नहीं है। लेकिन हम जो दूसरा इवेंट डिस्कस करने लगे बी, फॉर एग्जाम्पल बी इवेंट का मतलब कि फर्स्ट मार्बल जो आप सेकंड मार्बल ड्रॉ कर रहे हो वो ग्रीन है, प्रोवाइडेड कि फर्स्ट मार्बल क्या था वो भी ग्रीन था, इसको इवेंट हमने बी बोल दिया फॉर एग्जाम्पल। अब इस इवेंट को कितने केस फेवर कर रहे हैं, देखो अगर पहले आपने ग्रीन बॉल निकाल ली, शुरू में 4 व्हाइट थी 5 ग्रीन थी, आपने एक ग्रीन निकाल ली, अब उसके अंदर 8 बॉल्स तो है लेकिन 4 व्हाइट है 4 ग्रीन है, तो अब जब आप सेकंड दफा ग्रीन निकालोगे तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 में से एक निकालनी है आपने, तो 4 में से एक निकालने के कितने ऑप्शन होंगे, 4 होंगे, कोई भी 4 में से आप एक निकाल सकते हो, 4 तरीकों से आप ग्रीन बॉल को उठा सकते हो। तो अब आपके पास बी इवेंट के कितने केस फेवर है, 4 है। तो जब आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे यहां पे तो एन बी डिवाइडेड बाय एन एस ये हो जाएगा 4/8 और अब आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2, ठीक है। तो ये फर्क पड़ा, पहले प्रोबेबिलिटी 5/8 थी प्रोवाइडेड के पहला जो आपने निकाला था वो ग्रीन था, और अब आपकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी प्रोवाइडेड के जो पहला आपने निकाला वो ग्रीन था, सॉरी पहले में व्हाइट था उस वाले में पहला जो आपने निकाला था, और इस वाले में पहला जो आपने निकाला है वो ग्रीन है, ठीक है। फर्स्ट मार्बल ड्रॉन इज ग्रीन, इसमें फर्स्ट मार्बल व्हाइट था, ठीक है। तो ये दो पार्ट निकाले थे, दोनों हमारे आंसर आ गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है अ वर्ड कंसिस्ट ऑफ लेटर्स विद 5 कॉन्सोनेंट्स एंड 4 वॉवल्स। तो डेटा बना लेते हैं भाई कि नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स कितने हैं भाई, 5 है, इसी तरह नंबर ऑफ वॉवल्स है 4, 3 letters are chosen at random, ये आपने बता दिया क्या हो रहा है भाई, 3 letters को आप चूज कर लो रेंडमली। What is the probability that more than one vowel will be selected? आपको probability निकालनी है कि एक से ज्यादा more than one, मतलब one शामिल नहीं है, one से ज्यादा vowels, मतलब 2 vowels हो 3 हो 4 हो जितने भी हो वो select हो, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे, सबसे पहली बात अगर आप मेंशन करना चाह रहे हो मेंशन कर दो, वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन वन वॉवल विल बी सिलेक्टेड, ये आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अच्छा आप किस तरह निकालोगे प्रोबेबिलिटी में, यार दो ही इंपॉर्टेंट होती हैं भाई, सैंपल स्पेस में कितने केस हैं, जो आपका इवेंट है उसमें कितने केस हैं। तो सबसे पहली बात सैंपल स्पेस में कितने हैं वो मैटर करता है। अब यहां पे टोटल अगर आप देखो 5 कॉन्सोनेंट है 4 वॉवल है, टोटल 9 है यहां पे लेटर्स, आपने कितने चूज करने हैं, 3 चूज करने। तो ओवरऑल सैंपल स्पेस, अब ये जो सैंपल स्पेस निकालने लगे है ना 9 में से 3 चूज करना, अब ये ओवरऑल है, उसमें 2 कॉन्सोनेंट होंगे 1 वॉवल होगा, ऐसा भी हो सकता है 1 कॉन्सोनेंट 2 वॉवल, ऐसा भी हो सकता है कि 3 कॉन्सोनेंट, ऐसा भी हो सकता है 3 वॉवल, मतलब ये जो 9 में से 3 ओवरऑल में सैंपल स्पेस की बात करूं ना, इसमें हर किस्म के आपके पास 9 में से 3 लेटर की डिफरेंट सिलेक्शन होगी, ये आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा। आपका फेवरेबल क्या है, मतलब आपका इवेंट क्या है कि उसके अंदर मोर देन वन वॉवल हो, तो वो हम न्यूमरेटर में रख देंगे। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर निकालो, अच्छा सबसे पहली बात नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, नंबर ऑफ लेटर्स टोटल अगर आप देखो 4+5 मतलब 9 लेटर्स है, ठीक है। तो अब सैंपल स्पेस के अंदर कितने होंगे, 9 टोटल लेटर है उसमें से 3 चूज करने हैं आपने, तो 9 में से 3 चूज करने के कितने तरीके हैं वो निकाल लेते हैं। तो जाएगा 9, 8, 7 यार ये कैंसिल करोगे ना 9, 8, 7 और नीचे होगा 6 तो कैंसिल करो, ये 2 टाइम जाएगा, ये 3 टाइम जाएगा, ये 1 टाइम जाएगा, ये 4 टाइम जाएगा, 12 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो आप 84 हो जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 84। इसका मतलब ये है कि 9 में से 3 चीजों को सिलेक्ट करने के कितने तरीके होते हैं, 84 होते हैं, ये टोटल ओवरऑल सिलेक्शन आपको बता दी। अब आपने कौन सी सिलेक्शन की बात करनी है, अब उसको हम निकालते हैं। हमने जो सिलेक्शन की बात करनी है ना वो है कि जिसके अंदर मोर देन वन वॉवल हो, तो आप लिखना चाह रहे हो लिख दो कि लेट ए एक ऐसा इवेंट है कि मोर देन वन वॉवल हो। हमने जो इवेंट कंसीडर किया वो इवेंट है कि जिसमें एक से ज्यादा वॉवल हो, अब इसको निकाल लेंगे इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, कितने आउटकम इसको फेवर कर रहे होंगे, जो भी आपने बोला आप बोल सकते हो। टोटल आउटकम 84 है। अब 84 में से ऐसे कौन से आउटकम है जिसमें मोर देन वन वॉवल है, क्योंकि मैंने बताया था इसके अंदर हर किस्म का होगा, इसमें ऐसे भी 3 लेटर होंगे जो सारे कॉन्सोनेंट होंगे, सारे वॉवल होंगे, 2 वॉवल 1 कॉन्सोनेंट, 1 वॉवल 2 कॉन्सोनेंट,
डिफरेंट टाइप की सिलेक्शन होगी। आपने कौन सी सिलेक्शन कंसिडर करनी है? मोर देन वन वॉवल वाली। अब वो कैसे आएंगे? सिंपल तरीका है, मोर देन वन वॉवल का मतलब कि दो वॉवल हो सकते हैं, पहली पॉसिबिलिटी। तो दो वॉवल की पॉसिबिलिटी कैसे निकालोगे? टोटल चार वॉवल है, उसमें से दो सिलेक्ट करने हैं आपने। मोर देन वन वॉवल के अंदर दो केस बनेंगे। पहला केस, वन से ज्यादा दो वॉवल हो सकते हैं या तीन वॉवल हो सकते हैं। तीन से ज्यादा नहीं हो सकते ना, मतलब टोटल चूज ही आपने तीन करने, तो चार वॉवल तो हो नहीं सकते। मैक्सिमम केस ऐसा है कि जो आपने तीन चूज करने हैं वो तीन के तीन ही वॉवल हो, तो दो केसेस होंगे। मोर देन वन में यहां पे दो वॉवल कंसिडर करोगे या तीन वॉवल कंसिडर करोगे। इससे आगे भी आप जा सकते हो, मोर देन वन की कंडीशन में आगे तक आप जा सकते हो, लेकिन टोटल चूज ही आपने तीन करने हैं तो चार वॉवल कैसे करोगे? तो दो वॉवल या तीन वॉवल, तो कंसिडर करो। अगर आपने दो वॉवल चूज करने हैं तो चार में से दो को चूज करने के ये तरीके, और जो एक है वो कॉन्सोनेंट होगा, तो टोटल पांच कॉन्सोनेंट है, उसमें से एक को सिलेक्ट करने के ये तरीके। तो दो वॉवल एक कॉन्सोनेंट तीन लेटर हो गए। एक और पॉसिबिलिटी क्या है कि आप तीन वॉवल सेलेक्ट कर लो। तो फॉर एग्जाम्पल चार में से तीन सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? 4C3। अब बाकी आप कोई भी सेलेक्ट नहीं कर सकते, जब आपने तीन सेलेक्ट कर ली है अब कॉन्सोनेंट आप इसमें सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो चाहो तो इस तरह भी छोड़ सकते हो, या कॉन्सेप्ट के लिए आप इस तरह भी लिख दो 5C0 कि आपने जीरो कॉन्सोनेंट सेलेक्ट किए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5C0 वन होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आप कर सकते हो इस तरह कि थ्री और जीरो मतलब तीन लेटर, टू और वन तीन लेटर। अब इसके आगे पॉसिबिलिटी, ये वाली पॉसिबिलिटी लिख सकते हैं कि 4C4। क्यों? क्योंकि भाई चार लेटर सेलेक्ट तो करने ही नहीं ना आपको, मैक्सिमम तीन करने हैं, तो दो पॉसिबिलिटी। अब इसी को सॉल्व करते हैं। 4C2 क्या होता है बच्चों? 6 होता है, और ये होता है 5। और 4C3 क्या होगा? आई गेस 4 होगा। 4C3 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल क्या होगा? 4 ही होगा। और ये 1 है, 6 5 30 30 प्लस 4 34। तो जो आप का फेवरेबल आउटकम आपके इवेंट को जो कर रहे हैं वो 34 आउटकम ऐसे हैं जो आपके इवेंट को फेवर कर रहे हैं, मतलब उसके अंदर मोर देन वन वॉवल है। अब बात है भाई प्रोबेबिलिटी निकालने की, तो आप लिख सकते हो नाउ प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेल्फ स्पेस। तो 34/84 जब आप इसको कैंसिल करोगे तो बिल्कुल सिंप्लीफाइड आंसर क्या आएगा? कैलकुलेटर मेरा बुक पे अटका है। चलो 34 अगर 2 से कैंसिल करेंगे हो जाएगा 17। मुझे नहीं पता कौन सा टेबल जाता है, 17 और 84 करोगे 42। 17/42 भी जाते हैं? नहीं, 34 हाँ ही होगा। तो 17/42 इसका आंसर है। मैं जरा चेक कर लेता हूं क्योंकि बाद में पछताने से बेहतर है कि गलती मेंशन करो, लिखो एडिट करते हुए भाई ये गलती हो गई है वो हो गई है। पहले चेक कर लो 17/42 क्वेश्चन नंबर 7.4 7.4 का 7 17/42 बिल्कुल ठीक है। ठीक है, एक ही आंसर है ना, पार्ट वन क्यों लिखा हुआ था इन्होंने? एक सेकंड, एकदम से मैंने देखा लिखा हुआ पार्ट वन, सेवन का पार्ट वन लिखा हुआ है, एक ही पार्ट, तो पार्ट वन कहने की क्या जरूरत है। तो चलो खैर, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन ही है मोस्ट प्रॉबली। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है अ बॉय हैज, एक लड़के के पास एक बास्केट है, ठीक है, कंटेनिंग 10 ऑरेंजेस एंड 7 एप्पल्स। उस बास्केट के अंदर 10 ऑरेंजेस हैं, 7 एप्पल्स हैं। ही सेलेक्ट अ फ्रूट एट रैंडम, बहुत ही फारिग है वो, फारिग ने भूख लग रही होगी यार, फारिग नहीं है, एक उसने सेलेक्ट किया। व्हाट इज द चांस ऑफ इट्स बीइंग एन एप्पल, कि क्या चांसेस है कि उसके अंदर एप्पल हो, ये पहला पार्ट है। दूसरा क्या है? If his first selection was an apple, अगर उसकी पहली selection apple थी, what is the chance of his second selection being an orange? ये exact वही है जो marble वाला आपने देखा था ना, कोई नया concept नहीं होता। तो सबसे पहले part one को solve करते हैं। Data क्या है? Number of oranges 10 है, number of apples 7 है, ठीक है, one fruit is select at random, कि एक फ्रूट को आपने सेलेक्ट करना है रैंडमली, मतलब इसके अंदर कोई बायस नहीं है ना, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, यार मुझे एप्पल पसंद है मैं एप्पल निकालूंगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, रैंडमली बात की जा रही है कि भाई हाथ मारो रैंडमली सेलेक्ट कर लो, कोई बायसनेस ना हो इसके अंदर, ठीक है। तो आप क्या निकाला है? पार्ट वन क्या है? सॉल्यूशन पे अगर आते हैं तो पार्ट वन में क्या है, क्या सुना लिखा था उन्होंने, व्हाट इज द चांस ऑफ बीइंग एन एप्पल? सबसे पहली बात एप्पल लिख देते हैं भाई,
कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास एप्पल आए, आप कैसे निकालोगे। सबसे पहली बात, सैंपल स्पेस में क्या होगा, सैंपल स्पेस में भाई 10 ऑरेंजेस प्लस 7 एप्पल्स, सैंपल स्पेस है 17, 17 में से अगर आप एक सेलेक्ट करो तो 17 सी 1 होगा, लिखना चाहो तो लिख दो, वरना बात तो एक ही है 17 है, 17 सी 1 मतलब 17, 17 आपके पास टोटल फ्रूट्स है उसमें से एक सेलेक्ट करना है। ओवरऑल अगर सैंपल स्पेस की बात करो, 17 में से एक सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, 17 ही तरीके हैं, तो लिखो ना लिखो बात एक ही है। 12 सैंपल स्पेस के अंदर टोटल 17 तरीके से आप एक फ्रूट सेलेक्ट कर सकते हो। आपका जो इवेंट है वो है कि एप्पल आए, तो आप कंसीडर कर लो कि जो ए इवेंट है, चाहो तो लिख दो कि लेट ए एप्पल को डिफाइन कर रहे हो, मैं ऐसी भी रहने दे सकते हो, कहीं मैं लिख देता हूँ, कहीं मैं नहीं लिखता, जा मेरा मूड हो रहा था लिख देता हूँ, जा नहीं होता नहीं लिखता। तो अब ए का क्या होगा भाई, देखो टोटल 7 एप्पल्स हैं आपके पास, 7 एप्पल में से एक सेलेक्ट करने की कितने पॉसिबिलिटी है, अगेन 7c1 7 तरीके, तो टोटल 17 में से एक अगर आपने सेलेक्ट करना है उसके टोटल 17 तरीके हैं। जबकि जो आपका इवेंट है कि एप्पल आए, तो एप्पल को सेलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे, 7 एप्पल है, 7 एप्पल में से कोई भी एक आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी की हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा एन ए डिवाइडेड बाय एन एस, तो ये हो जाएगा 7/17, तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी एप्पल सेलेक्ट करने की। अगर 17 आपके पास फ्रूट है जिसमें 10 ऑरेंज है, 7 एप्पल है, अगर आपने एप्पल उठाना हो तो क्या प्रोबेबिलिटी है जो आपने सेलेक्ट किया वो एप्पल हो, 7/17 प्रोबेबिलिटी है, लाइक ऑलमोस्ट 40 के करीब होगी शायद। पर अब अगला पार्ट देखते हैं, इफ हिज फर्स्ट सिलेक्शन वॉज एन एप्पल, वॉट इज द चांस ऑफ हिज सेकेंड सिलेक्शन बींग एन ऑरेंज। तो आप पार्ट टू क्या लिखो, इफ ना लिखो, सिंपल छोटी सी लैंग्वेज में लिख देते हैं कि फर्स्ट सिलेक्शन इज एप्पल, सेकेंड सिलेक्शन इज ऑरेंज, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। सिंपल लैंग्वेज में आपने सिखा दिया भाई कि जो फर्स्ट सिलेक्शन हम करने लगे हैं, फर्स्ट सिलेक्शन उन्होंने बोल दिया कि प्रोवाइडेड कि वो एप्पल है, बताओ कि सेकंड सिलेक्शन ऑरेंज होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अब देखो यहां पर उन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ कि विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो मैंने जितना सवाल पढ़ा है मुझे तो कहीं नहीं बताया कि व्हाट इज द एप्पल, कहीं नहीं मेंशन किया कि जो उसने एप्पल उठाया था, इफ हिज फर्स्ट सिलेक्शन वाज एन एप्पल व्हाट इज द चांस ऑफ हिज सेकंड सिलेक्शन बीइंग एन ऑरेंज। मतलब उनको क्लियरली बताना चाहिए था कि अगर फर्स्ट सिलेक्शन एप्पल है उसने कैप साइड किया है या मिक्स कर दिया है, ये दो अलग केसेस होते हैं कि उसने चीज को साइड पर रखा है या उसने उसके अंदर बास्केट के अंदर डाल दिया, पहली सिलेक्शन एप्पल थी ना, अभी मेंशन नहीं किया हुआ उन्होंने, लेकिन प्रोवाइडेड जो पहला क्वेश्चन था उसमें यही कंडीशन गिवन थी, लेकिन उसने मेंशन किया हुआ था कि कैप डिसाइड, तो वही कंडीशन को हम लेट करते हैं, आंसर भी वही लिखा हुआ है। अगर आप पेपर में इस टाइप का सवाल आ रहा है जिसमें मेंशन नहीं किया हुआ, तो मैं ये कहूंगा एहतियातन आप दोनों केस डिस्कस कर लो, मतलब कोई मसला थोड़ी ना होगा दोनों केस डिस्कस करने में, जब सवाल में वर्डिंग मेंशन नहीं है तो आप अपनी तरफ से कर लो। फॉर एग्जाम्पल आप ये कंसिडर करते हो कि विदाउट रिप्लेसमेंट, इसको हम बोलते हैं विद रिप्लेसमेंट का मतलब कि जो आपने उठाया वो दोबारा रख दिया है, और विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब कि आपने जो उठाया वो दोबारा नहीं रखा, वो साइड पे रख दिए, अब जो बास्केट है उसके अंदर 16 रह गए, पहले 17 थे ना, पहली आपने उठा लिया अब 16 रह गए। तो फॉर एग्जाम्पल आप कंसिडर कर लो कि विद रिप्लेसमेंट या विदाउट कंसिडर करते हैं, जो बुक में आंसर है उसके मुताबिक है, तो मैं वैसे आपको बता रहा हूं अगर पेपर में ऐसा आया तो दोनों कर देना, मेरा मशवरा ये भाई दोनों कर दो ताकि कोई भी आपका सोल्यूशन गलत ना कह सके, जब सवाल में मेंशन नहीं है तो करना पड़ता है आपको। अब विदाउट रिप्लेसमेंट की अगर आप बात करो, अब आपके पास सैंपल स्पेस में विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब आपने पहले ही सिलेक्शन में एप्पल को उठाया और साइड पे रख दिया, अब बास्केट के अंदर कितने फ्रूट रह गए, बास्केट में 16 फ्रूट रह गए, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने भाई, 16, 16 में से आपको एक उठाना है, 16c1 लिखो या 16 लिखो बात एक ही है। और जो आपका इवेंट है सेकंड सिलेक्शन इज ऑरेंज, ऑरेंज की कितने केस डिफर करेंगे, फॉर एग्जांपल इसको बी कह लो, तो भाई देखो जो पहला उन्होंने उठाया था वो एप्पल उठाया था, टोटल 10 ऑरेंज थे और 7 एप्पल थे, पहले में उसने एप्पल उठाया, इसका मतलब ऑरेंज अभी भी 10 है, लेकिन अब एप्पल कितने हैं, 6 एप्पल रह गए, ठीक है, तो जो 16 सैंपल स्पेस में नजर आ रहा है ना आपको, इसमें 6 एप्पल है और 10 ऑरेंज है, तो आपको सेकंड चांस देखना है कि ऑरेंज उठाने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो भाई 10 ऑरेंज है सेकंड दफा, 10 में से एक उठाने के कितने तरीके हैं, 10 ही होंगे, तो आप लिखो 10, चाहो तो 16c1 करके 16 लिख दो, यहां पे 10c1 करके 10 लिख दो बात एक ही है। तो जो ऑरेंज उठाने के कितने तरीके से आप उठा सकते हो, 10 तरीके से आप उठा सकते हो, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, एन बी डिवाइडेड बाय एन एस
ये हो जाएगा 10/16 जो के बराबर होता है 5/8। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे विद रिप्लेसमेंट की बात करते हो कि जो पहली सिलेक्शन आपने की है एप्पल की, वो आपने सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकाली और दोबारा रख दिया आपने, तो अब आपके पास सैंपल स्पेस में, ये कर लेना अगर आप लोगों को शौक हो तो, सैंपल स्पेस में कितने रह जाएंगे आप, 17 रहेंगे, क्योंकि जो आपने उठाया था पहली दफा वो रख दिया आपने, तो अभी भी 17 ही उसके अंदर फ्रूट है और ऑरेंज अभी भी 10 है, तो अब जब प्रोबेबिलिटी निकालोगे ना प्रोबेबिलिटी आएगी 10/17। तो ये वो प्रोबेबिलिटी है जो विद रिप्लेसमेंट है कि पहली दफा उठाया और आपने दोबारा रख दिया, जो पहले सवाल में लिखा था ना केप्ट असाइड, वो ये वाला केस था कि आपने उठा के साइड पे रख दिया तो इतनी प्रोबेबिलिटी, और अगर आप उठा के उसी के अंदर मिक्स कर दो तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 10/17। अब अगर पेपर में मेंशन ना हो तो आप लोग एक अक्लमंद स्टूडेंट हो, मैंने सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, तो आप इन दोनों केसेस को अलग डिस्कस करना, यहाँ पे लिख देना विद रिप्लेसमेंट, ये मैंने बुक का पूरा करवाया जो बुक का सॉल्यूशन है, तो आप लोग लिखना विद रिप्लेसमेंट सैंपल स्पेस में 16 है, बी के सैंपल स्पेस के अंदर 17 है, बी के अंदर अभी भी 10 है, प्रोबेबिलिटी 10/17 आ जाएगी। तो पेपर में कर लेना ताकि कोई इशू ना हो। इस लेक्चर में इतने ही बच्चों, इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।